हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी सेक्शन 12 तक कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले आप वो जाकर देख लें। तो आज हमें पढ़ना है सेक्शन 13 से कवर करना है। आगे लीगल कैपेसिटी के बारे में बात करता है। अगर लीगल कैपेसिटी के बारे में हम बात करें, लीगल कैपेसिटी अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप लीगली केपेबल हो उसमें एंटर करने के लिए। तो ये चीजें क्या देखी जाती हैं कि आप साउंड माइंड हो, आपकी एज हो कि आप एंटर कर सको कोई कॉन्ट्रैक्ट में। तो उन्हीं चीजों से रिलेटेड यहां पर बात कुछ की जा रही है। लीगल कैपेसिटी जो पीडब्ल्यूडी के रिलेशन में हम बात करें, तो उनके अधिकारों को यहां पर जो है सेफ किया जा रहा है कि उनके जो अधिकार है वो वैसे ही हो जैसे दूसरे के हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो विल वगैरह के थ्रू, जैसे आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो वैसे ही उनको भी मिले। आप अगर बैंक लोन ले सकते हो तो वो भी बैंक लोन ले सकते हैं। तो लीगल कैपेसिटी शुरू करते हैं सेक्शन 13। सबसे पहला सबसेक्शन 1 बात करता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एंश्योर करेगी। अब सबसे पहले देखो, अगर आपने पहला पार्ट में अगर आपने डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको चीजें उतनी क्लियरली समझ में नहीं आएंगी, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है, राइट? तो चलिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको मालूम है, सेंट्रल और स्टेट मतलब दोनों के बारे में बात हो रही है यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके पास अधिकार इक्वली हो जैसा कि दूसरों के पास है, इक्वली विथ अदर्स। किस चीज के लिए? टू ओन और इनहेरिट प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, भले ही से मूवेबल हो वो, भले ही से इमूवेबल हो, और साथ ही साथ वो कंट्रोल कर सकते हैं उनके फाइनेंशियल अफेयर्स, जैसे कि एक्सेस टू बैंक लोन्स, मॉर्गेज, अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट वगैरह। सबसेक्शन 2 बात करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो एंजॉय कर सके लीगल कैपेसिटी ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स, जैसे कि आप दूसरे लोग जो कर सकते हैं लाइफ में वैसे ही वो भी कर सके, एंड उनके पास राइट होगा कि इक्वल रिकॉग्निशन उनको मिले हर जगह जैसा कि किसी और व्यक्ति को मिलता है बिफोर दी लॉ। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले हैं, तो अगर एक व्यक्ति, अगर आप मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, सामने वाला अगर फुलफिल नहीं करता है तो आप केस कर सकते हो कोर्ट में, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो राइट? तो वैसे ही ये भी कर सकते हैं। तो मतलब जो अधिकार, जो रिकॉग्निशन आपको दिया जा रहा है लॉ के समक्ष, वैसा ही इनको भी दिया जाए। सबसेक्शन 3 पे आए तो बात करता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है बिटवीन अ पर्सन प्रोवाइडिंग सपोर्ट, अगर डेफिनेशन क्लॉज याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, हमने वहां पर देखा था कि जो सपोर्ट देता है कोई व्यक्ति पीडब्ल्यूडी वाले को, अगर उसके बीच में और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये कह लो कि कोई ट्रांजैक्शन करना था, हमने ये समझा पहले तो कि जो पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति है उसको सपोर्ट की जरूरत है डेली एक्टिविटीज करने के लिए। आपको इससे याद भी आना चाहिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी हमने पढ़ा था कि जहां पर 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी होती है, जो डेली एक्टिविटीज वगैरह नहीं कर पाता वो, उसको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है, वो सारी एक्टिविटी डिसीजन वगैरह लेने में उसको चाहिए होता है। तो जो व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, अब सपोर्ट कैसा हो सकता है, सपोर्ट सारी जो भी एक्टिविटीज करवाने में उसको, जो भी एक्टिविटीज होती है इवन डिसीजन वगैरह लेने में, वो भी हम आगे देखेंगे, अभी एक लिमिटेड गार्जियनशिप करके एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जो व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है उसका कोई इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है, जो डिसीजन वगैरह लिया जाएगा। अब आप बताओ, बहुत ही जनरल सी चीज है, ठीक है तो इंसान ही खुद का फायदा चाहेगा, नहीं चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है ना मैनिपुलेट करके खुद के फेवर में डिसीजन करवा दे उससे, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसी चीज के बारे में बात हो रही है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन अ पर्सन जो सपोर्ट दे रहा है एंड अ पर्सन जो डिसेबल है। इसका और बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, आप लोगों ने काबिल मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसमें वो ब्लाइंड रहता है, अंधा रहता है, ठीक है। अगर उसका दोस्त उसको सपोर्ट कर रहा है और ऐसा कुछ होता है उनके बीच कि कोई प्रॉपर्टी मान के चलो ऋतिक रोशन को खरीदनी है, अब ऋतिक रोशन को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो उसके दोस्त की प्रॉपर्टी, तो हो सकता है वो ज्यादा में दिलवाए या कुछ इस तरीके से करवाए, एक बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस चीज में अगर कॉन्फ्लिक्ट, इसको क्या कहेंगे पहले तो ये समझ लेना कि इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया कोई पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में तो क्या होगा, तो जो वो व्यक्ति है सपोर्टिंग पर्सन है उसको एब्सटेन किया जाएगा फ्रॉम प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दैट ट्रांजेक्शन। मतलब उस ट्रांजेक्शन में आप सपोर्ट नहीं करोगे, सपोर्ट करने का मतलब डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करोगे, ये बोल रहा है आपका सबसेक्शन 3।
विच इज फेयर इनफ, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजो बात करता है कि हम ये प्रिजम्पशन नहीं मानेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में सिर्फ इस बेसिस पे कि जो सपोर्टिंग पर्सन है वो रिलेटेड है किससे, पर्सन विद डिसेबिलिटी से, बाय ब्लड, बाय एफिनिटी और अडॉप्शन। आप बोल रहे होगे सर ब्लड और अडॉप्शन तो समझ में आ गया, ठीक है, एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी मतलब आप समझ लो इसका अगर मैं सिनोनिम वर्ड बोलूं उससे सिमिलर, अट्रैक्शन, सिंपथी या लाइकिंग वगैरह, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो व्यक्ति जो सपोर्ट कर रहा है ये बाय ब्लड उसके रिलेटिव है, एफिनिटी है या अडॉप्शन में है, ये हम प्रिजम्पशन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 पे। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो ऑल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है जो भी कोई सपोर्ट अरेंजमेंट उसके लिए कोर्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है, कोई सपोर्ट अरेंजमेंट या फिर उस जो भी सपोर्ट अरेंजमेंट है, मतलब कुल मिलाकर ये समझो कि वो चाहे तो उसमें कुछ ऑल्टर मॉडिफाई कर सकता है, बोल सकता है कि मुझे इस व्यक्ति से सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी और व्यक्ति से चाहिए, एंड सीक द सपोर्ट ऑफ अनदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट सच अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन और डिसमेंटलिंग शाल बी प्रोस्पेक्टिव, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोस्पेक्टिव से ना एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया, आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं यही बता देता हूं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, और एक होता है आपका प्रोस्पेक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करें तो एकदम शुरू से जिस भी चीज में अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया तो वो शुरू से लागू होता है। अगर हम बात करें कोई लॉ आया, लॉ अभी आया है 2022 में, ठीक है, बट अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ तो जब से, मतलब हो सकता है 10 साल पहले से ये लागू माना जाएगा इस तरीके से। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरू से, प्रोस्पेक्टिव होता है कि अभी से, अभी डिसाइड किया ना तो अब से ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो सच अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, डिसमेंटलिंग जो है ये प्रोस्पेक्टिव होगा नेचर में, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव, एंड ये नलीफाई नहीं करेगा कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन जो एंटर्ड किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा विद द अफोरसेड सपोर्ट और अरेंजमेंट। अब देखो क्या हो रहा है, सुनो क्लियरली बताता हूं आपको क्या, एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, काबिल वाले एग्जाम्पल लेते हैं ऋतिक रोशन का, ठीक है। अब उसका दोस्त जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट था तो उसने बोला कि मुझे इसका सपोर्ट ही नहीं चाहिए, आज से सपोर्ट ही नहीं चाहिए, मैं तो किसी और का सपोर्ट चाहता हूं, कोई दूसरे दोस्त का या कुछ भी, ठीक है। तो उसने दूसरे से सपोर्ट लिया, तो जो दूसरे वाले का सपोर्ट लिया ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, पहली बात तो ये प्रोस्पेक्टिव हुआ, कुछ भी चेंज वगैरह जो किया ये प्रोस्पेक्टिव हुआ नेचर में, ठीक है। और अब जब वो पुराना दोस्त था उसके साथ मिलकर इसने जो डिसीजन लिए होंगे और थर्ड पार्टी से कोई डील की होगी वो नलीफाई नहीं होगी, समझ रहे हैं आप, वो कैंसिल, वो नलीफाई नहीं होगी क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। तो इन्होंने बोला शाल नॉट नलीफाई एनी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन जो एंटर किया है पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति ने विथ द अफोरसेड सपोर्ट अरेंजमेंट, जो पुराने वाले था उसके साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 5। Any person providing support to the person with disability shall not exercise undue influence and shall respect his or her autonomy, dignity and privacy. अब समझो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो सेक्शन 16 आपको याद आना चाहिए फटाक से। Undue influence क्या होता है, इसका बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो बाबा लोग आपने देखे, ठीक है, मतलब अगर मैं पहले तो आपको मीनिंग बता देता हूँ undue influence, आप इसको ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति के पास पावर है डोमिनेट करने की दूसरे की विल को। आप बाबा के पास गए हाथ दिखाने, बाबा ने बोला क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो लेके आए थे सब यहीं छोड़ जाओ, सारी समस्या की जड़ तुम्हारी पैसा है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम मेरे नाम कर दो, तुम एकदम माइंड फ्री हो जाएगा तुम्हारा, आप एकदम उनके इन्फ्लुएंस में आके आपने कर दी, ये होता है अंडू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति, एनी पर्सन जो सपोर्ट दे रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, ठीक है, वो अंडू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करेगा एंड साथ ही साथ रिस्पेक्ट करेगा उसकी प्राइवेसी, डिग्निटी, ऑटोनॉमी, ये सब तो हमने ऊपर भी देखा था जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि ये लॉ राइट टू लाइफ, डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सब बातें करता है, ठीक है, कि पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति को ये सब चीजें होना, राइट। तो ये आपका सबसेक्शन 5 है, आई होप क्लियर होगा, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 की ओर, प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके लिमिटेड गार्जियनशिप के नाम से, तो ये वही है आपका सेक्शन 14, इस बारे में बात करता है, आइए देखते हैं क्या।
सबसे पहले प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप पढ़ने से पहले आप जाइए एक्सप्लेनेशन पे और पढ़िए लिमिटेड गार्जियनशिप क्या होता है। लिमिटेड गार्जियनशिप मतलब सिस्टम ऑफ जॉइंट डिसीजन विच ऑपरेट ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट बिटवीन गार्जियन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इससे ये चीज समझ में आई कि ये अगर मान के चले गार्जियन है, ठीक है, इसको जी नाम देते हैं गार्जियन, ठीक है, और ये आपका पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति है, ये रहा, ठीक है। तो अब इसके बीच और इनके बीच मतलब लिमिटेड गार्जियनशिप क्या कर रहा है, जो ये डिसीजन लेंगे ना, तो ये डिसीजन जो है ये ऑपरेट करेगा इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे और ट्रस्ट में, जो इनके बीच में जो ट्रस्ट एक होगा उसके चलते डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा जो सपोर्ट देता है ना पीडब्ल्यूडी को, वो क्या करता है, वो डिसीजन वगैरह लेने में भी हेल्प करता है, ठीक है, अगर वो नहीं ले पा रहा है पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति। तो यहां पर उन्होंने बोला डिसीजन जो ऑपरेट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट पे बिटवीन द गार्जियन एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटी। बट नाम से ही समझ में आ रहा है लिमिटेड गार्जियनशिप मतलब कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो सकता है। तो वही आगे लाइन है आपकी, वो कि लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड कुछ समय के लिए एंड फॉर स्पेसिफिक डिसीजन, कोई पर्टिकुलर डिसीजन के लिए या सिचुएशन के लिए, और वो ऑपरेट करेगा किसके विल पे, सब कुछ हो किसके लिए रहा है, ये पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो उसके ही विल पे ये सारी चीजें की जाएंगी, तो एट द विल ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब आई होप सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा लिमिटेड गार्जियनशिप का मतलब क्या है। अब पढ़ते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है। बात करता है जब से ये एक्ट आया, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वेयर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो कि नोटिफाइड है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, अगर इनको पता चलता है या फिर ये फाइंड करते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिसको एडिक्वेट या अप्रोप्रिएट सपोर्ट दिया जा रहा है बट वो फिर भी अनेबल है टू टेक लीगली बाइंडिंग डिसीजन, नहीं ले पा रहा है, क्या नहीं ले पा रहा है, लीगली बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो क्या किया जाएगा, और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मे बी प्रोवाइडेड फर्दर सपोर्ट, क्या किया जा रहा है। देखो ऐसा नहीं पहले सपोर्ट नहीं था, पहले सपोर्ट था बट वो लीगल बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले पा रहा था, ठीक है, जब ये ऐसे डिसीजन नहीं ले पा रहा तो उसको और सपोर्ट दिया गया, किसका सपोर्ट दिया गया, लिमिटेड गार्जियन का सपोर्ट दिया गया लीगल बाइंडिंग डिसीजन लेने में। और अब लिमिटेड गार्जियन क्या कर रहा है, उसके बिहाफ पर डिसीजन ले रहा है, बट ऐसा नहीं कि उससे बगैर पूछे डिसीजन लिया जाएगा, नहीं, उससे पूछ के साथ में, हमने देखा था डेफिनेशन पढ़ी हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, ठीक है, तो किसके, उसके बिहाफ में जो है उससे कंसल्ट करके उसके बिहाफ में ये डिसीजन लेगा, ठीक है, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उस मैनर में। ये आई होप आपको सबसेक्शन 1 क्लियर होगा। अब आ जाओ प्रोविजो पे। प्रोविजो बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज द केस मे बी, अगर इनको लगता है तो ये टोटल सपोर्ट भी दे सकते हैं, मे ग्रांट टोटल सपोर्ट टू दी पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर उसको चाहिए वो सपोर्ट, तो या फिर लिमिटेड गार्जियनशिप अगर बार बार मांगी जा रही है, दी जा रही है, वेयर द लिमिटेड गार्जियनशिप इज टू बी ग्रांटेड रिपीटेडली। अब हमने देखा कि लिमिटेड गार्जियनशिप जो है ना स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है बट बार बार दी जा रही है क्योंकि वो हो सकता है लीगल बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, तो उस केस में जो डिसीजन है रिगार्डिंग द सपोर्ट जो दिया जा रहा है वो रिव्यू करेगी पहले तो कोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। क्यों रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए रिव्यू कर रहे हैं जिससे डिटरमाइन कर सके नेचर और मैनर, जो सपोर्ट दिया जा रहा है ना उसका नेचर और मैनर वगैरह जो है वो डिटरमाइन कर सके कि किस तरीके से दें नहीं दें, क्या जो भी चीजें हैं, राइट। तो ये आपका प्रोविजो बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो चाहे तो टोटल सपोर्ट भी दे सकते हैं उस व्यक्ति को जिसको चाहिए रिक्वायरिंग सच सपोर्ट, या फिर लिमिटेड गार्जियनशिप बार बार दी जा रही थी तो भी उसको टोटल सपोर्ट दिया जा सकता है, और इन विच केस डिसीजन रिगार्डिंग द सपोर्ट, डिसीजन रिगार्डिंग दी सपोर्ट की सपोर्ट कितना कैसा क्या, ठीक है, उसके डिसीजन को यहां पर रिव्यू किया जा रहा है कोर्ट द्वारा, क्यों, जिससे डिटरमाइन कर सके नेचर एंड मैनर कि कैसा सपोर्ट देना, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए वगैरह वगैरह। उतना डिटेल में नहीं भी जाएंगे चलेगा, बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिमिटेड गार्जियनशिप का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की ओर। सबसेक्शन 2 बात करता है जब से ये एक्ट आया जो भी गार्जियन है ना, ठीक है, कोई अदर लॉ में भी अपॉइंट है मान के चलो, कोई अलते भलते लॉ में अपॉइंट है, ठीक है, तो उसको व्यक्ति क्या है, फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति से रिलेटेड है, तो जब से ये एक्ट आया उस व्यक्ति को किसी अदर लॉ में भले ही से
अपॉइंट किया गया हो, बट उसको माना जाएगा डीम्ड टू बी फंक्शन एज अ लिमिटेड गार्जियन, कि आपका भले ही से आपको किसी और उसमें किया था, बट आपको हम इस एक्ट के तहत उसको लिमिटेड गार्जियन मानेंगे। ये बेसिकली बात कर रहा है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन तीन बात करता है, एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर एग्रीव्ड है डिसीजन से, किसके डिसीजन से, डिजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है, जिसने अपॉइंट किया है लीगल गार्जियन को, और भाई पीडब्ल्यूडी मतलब ऋतिक रोशन काबिल वाला, वो नाराज है, हताश है, निराश है, एग्रीव्ड हो गया उसके डिसीजन से कि यार हमको पसंद नहीं आया, तो वो अपील कर सकता है। मे प्रेफर एन अपील टू सच अपीलेट अथॉरिटी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उसके हिसाब से, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी टू सपोर्ट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है डेजिग्नेट कर रही है एक या एक से ज्यादा अथॉरिटीज को टू मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड क्रिएट सोशल अवेयरनेस सपोर्ट करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर ये क्या कर रहे हैं, ये डेजिग्नेट कर रहे हैं अथॉरिटी को, मोबिलाइज मतलब आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि टू मेक यूज ऑफ, राइट, तो मोबिलाइज कर रहे हैं कम्युनिटी को और क्रिएट कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस कि भैया आपको सपोर्ट करना चाहिए पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति को इन एक्सरसाइज ऑफ देयर लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 2 बात करता है अथॉरिटी डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1, वो मेजर्स लेंगे, ठीक है, अब उनको करा ही उस चीज के लिए अपॉइंट है, तो वो क्या करेंगे, वो मेजर्स लेंगे, सेटअप करेंगे सुटेबल सपोर्ट अरेंजमेंट कि वो अपनी लीगल कैपेसिटी को एक्सरसाइज कर सके। कौन कर रहा है, पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति। अरेंजमेंट्स कौन बना रहा है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, कि वो इजीली एक्सरसाइज कर सके लीगल कैपेसिटी जो भी उधर पर है, ठीक है, जिनको भी दोज हाई सपोर्ट चाहिए कैसा भी उनको वो एक्सरसाइज कर सके। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 15, इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल, बड़ा ही सिंपल चल रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर, एजुकेशन। तीन कुछ सेक्शन है आपके चैप्टर 3 में एजुकेशन में, और हाँ एक बार और बता दूं, मैं लास्ट में आपको ट्रिक दूंगा, ये सारे चैप्टर्स को आप चुटकियों में याद कर लोगे और इनके अंदर के सेक्शंस किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 3 बात कर रहा है एजुकेशन के बारे में। अब एजुकेशन में आप देखोगे पहले उन्होंने ड्यूटी बता दी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्या ड्यूटी है। अब हमने इतना एक्ट पढ़ लिया है ना कि अगर मैं इसको हटा भी दूं, यहां पर स्क्रीन ब्लैंक भी हो जाए ना, तो आप अपने मन से बता सकते हो कि क्या ड्यूटी होगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, अगर आपने पहला वाला जो पार्ट देखा था तो, और दूसरा अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो तो। मतलब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एक बार आपने मोटिव पर्पस इस एक्ट का समझ लिया ना, आधे से सेक्शन आपको इजीली बन जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही जनरल सेक्शंस होते हैं जैसे कि ड्यूटी व्यूटी से रिलेटेड। तो आपका 16 ड्यूटी के बारे में बात करता है, 17 स्पेसिफिक मेजर इन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज में आपके, राइट। एंड देन आपका लास्ट जो है वो एडल्ट के बारे में बात करता है, एडल्ट एजुकेशन। तो आइए देखते हैं, सेक्शन 16 बात करता है ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं यहां पर दैट जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, पहले भी बात कर चुके हैं, वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है जिनको फंडिंग या जिनको रिकॉग्निशन मान्यता वगैरह किससे मिली है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट दोनों ही आते हैं, एंड लोकल अथॉरिटी। शाल एंडेवर, एंडेवर मतलब होता है एफर्ट वगैरह लगाना, दैट सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय देम है वो प्रोवाइड करें इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज में, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसकी एक और ट्रिक टाइप आप ले लो कि आपने वो मूवी तो देखी होगी, हम साथ साथ हैं, ठीक है, हम साथ साथ हैं, वो देखी है कि नहीं देखी, वही इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है हम साथ साथ हैं, मतलब हम साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे, जो व्यक्ति पीडब्ल्यूडी वाला है वो भी वहीं पढ़ेगा, जो व्यक्ति नॉर्मल है वो भी वहीं पढ़ेगा। तो बाय देम प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड टूवर्ड्स दैट एंड। अब देखो क्या क्या यहां पर ड्यूटी की बात की है, शाल एडमिट देम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई आपका तो एक्ट ही बोलता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब बराबर है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि आप एडमिशन दोगे स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एंड प्रोवाइड करोगे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पोर्ट्स वगैरह भी, रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी इक्वली विद अदर जैसे दूसरों को दी जा रही है। दूसरा, बिल्डिंग बनाओ, कैंपस बनाओ, वेरियस फैसिलिटीज एक्सेसिबल हो जिससे वो एक्सेस कर सके, प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन दो, ठीक है, देन प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज और अदरवाइज एनवायरमेंट दैट मैक्सिमाइज एकेडमिक उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, एंश्योर करो दैट एजुकेशन टू पर्सन हु आर ब्लाइंड डेफ और बोथ इज इंपार्टेड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड लैंग्वेजेस।
अब एप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने देखा था बहुत, हमने ब्रेल की बात की थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, ब्रेल हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है, आपने जैसे मैं वापस से वही एग्जांपल दूंगा मूवी का, मूवी कौन सी, काबिल, ऋतिक रोशन, आपने देखा होगा वो लेटर पढ़ता है, वो उठे उठे रहते हैं। ठीक है, प्लेन पेपर में अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो उसको एक अलग टाइप का कम्युनिकेशन कहते हैं, जिससे आप टच करके फील करके आप पढ़ते हो कि ए बी सी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसी लैंग्वेज से सिखाया जाए, बट सिखाया जाए। डिफेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं, डिटेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन एट द अर्लीस्ट, स्कूल कॉलेज का काम होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम होगा कि वो डिटेक्ट करें कि इसमें क्या कोई डिसेबिलिटी है, अर्लीस्ट एंड सुटेबल पेडागोजिकल एंड अदर मेजर्स टू ओवरकम देम, कि भाई अगर कोई बच्चा सीखने में उसको प्रॉब्लम है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, या कुछ भी इस तरीके से कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको ओवरकम कर सके, उसको उस तरीके से ट्रेन किया जाए, एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा मेहनत कराई जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब पेडागोजिकल क्या होता है, ये टीचिंग मेथड होती है। ठीक है, उसको इनडेप्थ मत समझो आप, बस टीचिंग मेथड होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं, मॉनिटर पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट लेवल कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। तो मॉनिटर करना कौन पार्टिसिपेट कर रहा नहीं कर रहा, इंप्रूवमेंट क्या है क्या नहीं है, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन लाने ले जाने की फैसिलिटी देना, और सिर्फ डिसेबिलिटी वाले बच्चे को ही नहीं, साथ में जो उसके अटेंडेंट है, अगर मान के चलो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा, ठीक है, तो अटेंडेंट भी होगा, तो अटेंडेंट को भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स। राइट, आई होप बड़ा ही सिंपल था, आप भी पढ़ते तो समझ में आ ही जाता। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17 स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या बोलेंगे वापस से, हम साथ साथ हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है आपको मालूम है, तो बस उसी चीज को प्रमोट और फैसिलिटेट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या फटाफट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है कुछ मेजर्स ले रही है यहाँ पर किसके लिए, सेक्शन 16 ऊपर हमने देखा। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं, ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको कंप्लाई करने के लिए यहां पर कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या देख लेते हैं एक बार। ए बात करता है टू कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल, जो चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है हर 5 साल में, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई किसको कैसी डिसेबिलिटी है, ठीक है, किस तरीके की स्पेशल नीड्स चाहिए होती है, ठीक है, जिससे हम उनको कर सके पूरी। प्रोविजो बात करता है पहला सर्वे जो कंडक्ट किया जाएगा वो 2 साल में किया जाएगा, जब ये एक्ट आ जाएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर पहला सर्वे कराया जाएगा। ठीक है, देन बी बात करता है टू एस्टेब्लिश एडुकेट नंबर ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, आपको इस तरीके से टीचर को भी तो ट्रेन करना पड़ेगा, जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को उन पर ध्यान दे सके, उस तरीके से उन पर काम कर सके, ठीक है, जिससे अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ओवरकम करा जा सके। सी बात करता है टू ट्रेन एंड एम्प्लॉय करना टीचर्स को, इंक्लूडिंग टीचर्स विद डिसेबिलिटी, टीचर्स को भी तो डिसेबिलिटी होगी, वो भी तो उन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको भी आप करोगे तो उनको भी तो आपको ट्रेनिंग वगैरह देनी होगी, उनको भी तो एम्प्लॉय करोगे, है ना। हो सकता है साइन लैंग्वेज सिखाई जाए, अगर कोई डेफ है तो उसको क्या, उसको साइन लैंग्वेज से सिखाया जाएगा कि नहीं सिखाया जाएगा, राइट, ठीक है, तो साइन लैंग्वेज, और अगर कोई बोल नहीं पा रहा या अलग अलग टाइप का जो भी होगा लैंग्वेजेस वगैरह सिखाने के लिए, तो वैसे आपको उस तरीके के क्वालिफाइड एम्प्लॉय भी तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, जो ब्रेल वगैरह जानता हो, एंड ऑल्सो टीचर्स जो कि ट्रेंड हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब है, कि कोई टीचर ऐसा जो कि इन चीज़ों में डील करता है या उसको एक्सपीरियंस है, उनको भी हायर किया जाए, फिर भले ही से उसको डिसेबिलिटी हो चाहे ना हो, ठीक है। देन डी टू ट्रेन प्रोफेशनल्स, टू ट्रेन, टू एस्टेब्लिश एडुकेट नंबर ऑफ रिसोर्सेज सेंटर सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करा जाए यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव मेथड, हमने डिस्कस किया था इसका क्या मतलब होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे डेफिनेशन क्लॉज में, तो आपको मालूम होगा इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि सब साथ साथ पढ़ें, तो कैसे पढ़ें, ये जिम्मा किसका है, ये जिम्मा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है, कि अगर कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, उसको सिर्फ साइन लैंग्वेज समझ में आती है तो साइन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप। तो ये बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 17 आपका बात कर रहा है। देन आगे आप इसको रीड कर लें, बड़ा ही सिंपल है, टू प्रोवाइड बुक्स वगैरह प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप देना, जो व्यक्ति बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, टू मेक सुटेबल मॉडिफिकेशन करिकुलम में, जो आपका करिकुलम क्या होता है कि जो एक सिलेबस टाइप होता है उसमें मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर एग्जाम लिख नहीं सकता तो फिर उसको स्क्राइब वगैरह प्रोवाइड करना,
ठीक है। तो ये बेसिक जो फैसिलिटीज वगैरह देते हैं पेपर वेपर में भी आप देखते होंगे, ठीक है। देन टू प्रमोट रिसर्च टू इंप्रूव लर्निंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 17 था, बड़ा ही सिंपल था, इसको रीड कर ले। देन आता है सेक्शन 18, तो एडल्ट एजुकेशन वगैरह देना पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को भी, तो ये सब यहां पर बात की गई है, इसको रीड कर ले। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 बात करता है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है आपका डेफिनेशन क्लॉज। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक एक के बारे में बताया हुआ है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ध्यान आएगा। मैंने आपको एग्जांपल देता होम कुकिंग वगैरह सीखना, मेहंदी डिजाइन वगैरह, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग में आ गए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करेगी स्कीम, प्रोग्राम वगैरह बनाएगी, इंक्लूडिंग लोन वगैरह देना, कंसेशनल रेट पे फैसिलिटी देना, सपोर्ट करना एम्प्लॉयमेंट में पीडब्ल्यूडी वालों को, स्पेशली फॉर देयर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। चलिए तो ये तो बेसिक सी बात की उन्होंने कि ठीक है इनको प्रोवाइड करना, ऐसी स्कीम बनाना जिसके तहत तो उनको फायदा हो कुल मिला के। अब बात करते हैं स्कीम एंड प्रोग्राम्स जो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। स्कीम और प्रोग्राम जो ऊपर बात की जा रही है उसके अंदर क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो बात करा पहले तो इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल मेन स्ट्रीम फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग स्कीम वगैरह, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एंश्योर किया जाए कि जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं हैज एडुकेट सपोर्ट हो उनको, फैसिलिटीज टू अवेल स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह वो ले सके, एक्सक्लूसिव स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पीडब्ल्यूडी विद एक्टिव लिंक विद द मार्केट, लोन वगैरह दिया जा सके एट कंसेशनल रेट पे इंक्लूडिंग दैट ऑफ माइक्रो क्रेडिट। जो वो प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई प्रोडक्ट बनाया बेचने के लिए, तो उसकी मार्केटिंग वगैरह की जाए, ठीक है, ऐसी स्कीमें बनाई जाएंगी उनके लिए। मेंटेनेंस ऑफ डिसरिगार्ड डेटा ऑन दी प्रोसेस मेड इन दी स्किल ट्रेनिंग, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग सीखी तो क्या मेंटेन, क्या मतलब उनको कितनी प्रोग्रेस है नहीं है क्या है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजों के बारे में, ऐसी ये सब चीजें स्कीम्स और प्रोग्राम्स के अंदर रहेंगी जो कि अल्टीमेटली उनको बेनिफिट, उनको हेल्प करेंगी उनका लाइवलीहुड अर्न करने में एक तरीके से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 20 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब देखो आपका पूरा एक्ट ही बात करता है कि उनको राइट टू लिव विद डिग्निटी, प्राइवेसी हो, उनको कोटा भी यहां पर दिया जा रहा है, हमने देखा था, ठीक है। अब वही और डिस्क्रिमिनेशन की भी हमने बात की, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इवन बेनिफिट ही दिया जा रहा है, तो वही सब यहां पर बात होगी। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट बात करता है कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अगेंस्ट एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी किसी भी मैटर में रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के संबंध में आप ये नहीं बोलोगे कि आपको नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप डिसेबल हो, ठीक है। बट वहीं पर एक प्रोविजो डाल के सरकार बोलती है कि हम चाहे तो कोई एस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो बोल सकती है कि भैया आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप डिसेबल हो, क्यों, क्योंकि उनको एग्जम्प्ट किया जा सकता है, हो सकता है डिफेंसेज वगैरह में, इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2, एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन एंड अप्रोप्रिएट बैरियर फ्री एंड कंड्यूसिव एनवायरमेंट दिया जाएगा टू एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी। बात कर रहा है कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है पहली बात तो इनको रीजनेबल अकोमोडेशन देगी, साथ ही में बैरियर हमने ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा है, इसलिए मैं बोलता हूँ सब कुछ लिंक करेगी आपके डेफिनेशन क्लॉज से। बात कर रहा है बैरियर फ्री मतलब क्या होगा कि कोई बैरियर नहीं आए, ठीक है, एंड कंड्यूसिव एनवायरमेंट मतलब इजी एनवायरमेंट, ठीक है, वैसा इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा बात करता है कोई भी प्रमोशन डिनाई नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि भैया डिसेबिलिटी है आपको, इस पर कोई प्रमोशन वगैरह डिनाई नहीं किया जाएगा। नो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल डिस्पेंस विद और रिड्यूस इन रैंक एन एम्प्लॉय हु एक्वायर्स अ डिसेबिलिटी ड्यूरिंग हिज और हर सर्विस। सर्विस के चलते अगर कोई डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली है, कोई डिसेबिलिटी हो गई, कोई डिसेबल हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पैर नहीं रहा, हाथ नहीं रहा, आंखें नहीं रही, कुछ भी इस तरीके से एग्जाम्पल, और आप उस टाइम पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे थे, तो ये नहीं क्योंकि आप डिसेबल हो गए तो आपकी रैंक घटा दी जाए, आपको निकाल दिया जाए, नहीं, रैंक रिड्यूस नहीं की जाएगी। बट आपके मन में डाउट आया होगा, मैं समझता हूं, अब आ जाओ आप प्रोविजो पढ़ोगे तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट इफ एन एम्प्लॉय आफ्टर एक्वायरिंग डिसेबिलिटी इज नॉट सुटेबल फॉर पोस्ट, भैया उसका काम ही कुछ भले से हो सकता है चौकीदारी का काम हो, अब आंखें नहीं रही, ब्लाइंड नहीं रही, तो वो कैसे करेगा। तो इन्होंने बोला प्रोविजो में कि मान के चलो वो जो डिसेबिलिटी हुई है उसके कारण वो जो पोस्ट पे था अब वो सुटेबल नहीं है उसके लिए, कैसे करेगा वो चौकीदारी, ठीक है। तो इन्होंने बोला उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा टू सम अदर पोस्ट विद द सेम पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट। अगर वो पहले 20,000 कमा रहा था तो अभी भी 20,000 कमाएगा, अगर उसको कुछ बेनिफिट मिलता था कि जाने आने का खर्चा मिलता था तो अभी भी मिलेगा, हाँ जॉब कोई दूसरी दे दी जाएगी जो उसके लायक हो, जो वो कर सके अच्छे से, राइट। देन आगे बढ़ते हैं प्रोविजो,
प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट द एम्प्लॉय अगेंस्ट एनी पोस्ट। अब मान के चलो कि भाई अभी कोई ऐसी जॉब ही नहीं है जिसमें उसको रखा जाए, क्या करें, तो निकाल दें, सैलरी नहीं दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सैलरी भी दी जाएगी। और उसको बोला गया यहां पर ही मे बी कैप्ड ऑन अ सुपर न्यूमरी पोस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है समझो, पोस्ट क्रिएटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कुछ समय के लिए एक ऐसी पोस्ट बना दी जाएगी कि जब तक आपके लिए कोई सूटेबल पोस्ट नहीं है अवेलेबल, आप इस पोस्ट पर बैठ जाओ, ठीक है। जब तक रेगुलर पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो एक ऐसी कोई पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी कुछ समय के लिए, ठीक है, अंटिल अ सुटेबल पोस्ट इज अवेलेबल, या फिर वो अटेन ना कर ले एज ऑफ सुपरएन्यूएशन। सुपरएन्यूएशन सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिटायरमेंट होता है, कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो जो भी इनमें से अर्लियर होगा तब तक उसको क्या बोला गया है यहां पर कि उसको सुपरएन्यूएशन पोस्ट पर डाल दिया जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 5 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे फ्रेम पॉलिसीज फॉर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी। तो वो इस तरीके की पॉलिसी वगैरह बना सकते हैं, कहाँ पोस्ट करना है, ट्रांसफर से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड उनकी पॉलिसीज बन सकती हैं, बना सकते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 21 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। तो वही वाली बात है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट जो है नोटिफाई करेगी जो भी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी की, और उसको रजिस्टर करेगी उसकी एक कॉपी उस पॉलिसी की विद दी चीफ कमिश्नर या फिर स्टेट कमिश्नर के पास। वो ऐसी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी की जो कॉपी होगी उसको रजिस्टर करने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, कौन व्यक्ति है जो पर्सन पीडब्ल्यूडी से है, ठीक है, इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी अदर जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी। देन दूसरा बात करता है, एवरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पीडब्ल्यूडी जिनको जॉब चाहिए सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तीसरा बात करता है, रिकॉर्ड मेंटेन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन, कि कोई भी व्यक्ति जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसको कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। अभी कोई भी व्यक्ति कौन है, शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एट ऑल रीजनेबल आवर्स बाय सच पर्सन। अभी सच पर्सन कौन है, जो ऑथराइज है उसके बिहाफ में बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसको ऑथराइज करेगी वो जाकर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कि भैया बकायदा आप मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 23 लास्ट सेक्शन है आज का, इसके बाद जो है हम कल करेंगे चैप्टर 5 से सेक्शन 24 से। सेक्शन 23 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर के बारे में, बात करता है कि जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, हर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी एज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, किस पर्पस के लिए, सेक्शन 19 के पर्पस के लिए, एंड इन्फॉर्म करेगी चीफ कमिश्नर स्टेट कमिश्नर को एज द केस में भी अबाउट दी अपॉइंटमेंट ऑफ सच ऑफिसर। सेक्शन 19 के पर्पस के लिए कर रहे हैं, याद आया नहीं आया आपको, सेक्शन 19 वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ऑफिसर को यहां पर अपॉइंट किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये इन्फॉर्म कर रहे हैं चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर को इसके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो एनी पर्सन जो एग्रीव्ड है, जो नॉन कंप्लायंस अगर कोई करता है सेक्शन 20 के अंदर, तो वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट किसके पास, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा और उस मैटर को जो भी कुछ होगा तो उसमें करेक्टिव एक्शन जो ले सकता है उस एस्टेब्लिशमेंट में, वो लेने का आदेश देगा, ठीक है। तीसरा, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है मेंटेन करेगा रजिस्टर ऑफ कंप्लेंट, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी जिस तरीके का भी मेंटेन करने का, उस तरीके से वो क्या करेगा, एक रजिस्टर ऑफ कंप्लेंट मेंटेन करेगा। एंड एवरी कंप्लेंट शैल बी इंक्वायर्ड विद इन 2 वीक ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कोई कंप्लेंट आई 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी इंक्वायरी जो है की जाएगी, राइट। चलिए सबसेक्शन 4 बात करता है इफ द एग्रीड पर्सन इज नॉट सेटिस्फाई, अगर एग्रीड पर्सन हताश, निराश, सेटिस्फाइड नहीं है जो भी एक्शन लिया गया है ऑन हिज और हर कंप्लेंट, उसने कोई कंप्लेंट की थी किसी चीज से रिगार्डिंग, उस पर जो एक्शन लिया वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अप्रोच कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑफ डिसेबिलिटी को, ये आपके एमसीक्यू भी हो सकता है एक तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। सो आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन 24 से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक एंड पर आप बने हुए हैं, वीडियो अगर आप देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।